वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत प्यार वालिया संगत महापुरखों के नाम रंग दे विच प्रेम रंग चरंगिया हुई अज इत्थे बैठिया ने। पंजाब के कोने कोने तो, दिल्ली तो, बहुत दूर दूर तो, यूपी तो संगत पहुंचिया ने। गर्मी भी बहुत जोर दी है ते आप जी के अंदर प्यार महापुरखों का ठाठा मारदा साफ नज़र आ रहा है। जिथे बड़ी दूर दूर तो संगत पहुंचिया ने उत्थे सत्कारयोग सिख कौम दीयां महान हस्तियां प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा जिन्हां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने हुणे बख्शिश की है बहुत वड्डी सेवा। मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जो इत्थों आप जी संगतां दे सहयोग नाल चुने गए ने, वड्डी सेवा गुरु ने इन्हां दी झोली पाई है। पहलां तां स्टेज वल्लों इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद, इन्हां नूं मुबारकबाद ते धन्नवाद क्योंकि इन्हां ने समा कढ़िया जिथे दर्शन दिते और संगतां दे दर्शन कर रहे ने। तो सब तो पहला इस स्थान वालों प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा नूं महापुरख अपने कर कमलों द्वारा गुरु की असीस सरोपा देंगे। सो प्रोफेसर साहब ने बेनती है कि यह सरोपा गुरु की असीस प्राप्त करने की कृपालता कर। उन्होंने नाल आई सरदार मनदीप सिंह जी खिदराबाद वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद, वह भी गुरु की असीस सरोपा प्राप्त कर लैन। सरदार मनदीप सिंह जी खिदराबाद वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति, उन्होंने बेनती है वह भी दर्शन देन। और सरदार मेजर सिंह जी संतपुरा चेयरमैन शुगर मिल मरंडा, वह भी दर्शन देन। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग हरमन प्यारे जथेदार उजागर सिंह जी बडाली जो सदा ही शुरू तो ही इस संस्था के नाल जुड़ के इकविक होकर सेवादार के तौर पर विचरते रहे ने। दरवेश सियासदान जथेदार उजागर सिंह जी बडाली, उन्होंने भी असी जी आया आखते हाँ। सो वह भी सरोपा गुरु किस चीज़ प्राप्त कर लैन। सत्कारयोग बाबा अजीत सिंह जी जंड साहब वाले कार सेवा वाले महापुरख, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बेनती है कि वह भी सरोपा गुरु किस चीज़ प्राप्त करने की कृपालता कर। सत्कारयोग बाबा अजीत सिंह जी जंड साहब वाले कार सेवा वाले महापुरख बोले सुनहाल। हुण बेनती करांगे सत्कारयोग प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट साहब नूं कि वह उन्हां तों पहलां सत्कारयोग जथेदार बडाली साहब आप संगतां दे दो तीन मिनट दर्शन करनगे। भावें उन्हां दा कहना सी कि मैं बोलना कुछ नहीं, फिर भी उन्हां नूं बेनती की गई है कि तुहाडी भावना महापुरखां दे नाल संगतां दे नाल जुड़ी हुई है, भावें दो मिनट ही आप जी दर्शन करो, संगतां दे दर्शन जरूर करो। उन्हां तों बाद प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा मैंबर ऑफ पार्लीमेंट आप संगतां दे दर्शन करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुगो टल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पवित्र गोच महापुरशां दे पवित्र स्थान ते अज संत बाबा बलराम सिंह उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण लई जुड़े सारे महापुरश और उन्हां नाल प्यार करन वाली सारी गुरु की संगत, सारे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा लखवीर सिंह जी, संत बाबा हरपाल सिंह जी, स्टेज सकत्तर साहब सरदार जसवंत सिंह ने और जिहदे सतगुरां ने बख्शिश तुसीं कीती सारिआं ने, साढ़े पार्लीमेंट के मैंबर श्री आनंदपुर साहब तो प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा साहब, सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां उस महान महापुरशां का प्रकाश दिहाड़ा मनाउण लई जुड़े जिन्हां ने सारी जिंदगी नाम सिमरन करके उस परमात्मा की भगती करके ये स्थान प्राप्त किया और मनुखता की सेवा करके और गुरु घर की अतुट सेवा की है, नाम का खजाना कमाई करके बंडिया और नशियां तो रहत करन लई और गुरु दे नाल जोड़न लई खंडे बाठे दा अमृत छकाउण लई सारी जिंदगी लेखे चलाई। अज आपां दा
प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। साढ़े स्वर्गवासी सिंह साहब ज्ञानी दरलोचन सिंह ने केसगढ़ साहब के कहते होंगे सी हमेशा स्टेज से भी जिदा दिन मनाने वो अर्शवाद भी समझो। अज आप जुड़े महापुरुषों ने जो जिंदगी उपदेश दिता भावें आत्मार्ग के राही भावें कीर्तनी जथे कायम करके जथियां दे राही। बहुत समा पहला पिंड पिंड दुआन ला के हफ्ता उन्होंने अमृत का खंडे बाटे का अमृत छकाया हर ऐतवार और जिथे साले हल्के जिथे लोग तंबाकू बीजते असी साइकलों से जे कि जाना तो राह सड़कों से गुटिया ही सुकनिया पी हो तंबाकू उपर नू कई बार साइकिल लंघा लगे भी लंघन लगे भी सोचना भी हम किधर लंघीए। गुरु साहब का तो घोड़ा नहीं था तंबाकू के खिच बलिया। महापुरशां की कृपा हुई भी इस इलाके तंबाकू बीजना बंद होया और जेड़े सिखी नू जान दे नहीं सी अज गुजर भाईचाल के पिंड भी आनंद कार्ज कराने उन्होंने पिंडां च भी दवान ला के उन्होंने बीड़ियां भी छड़ाइया नशा भी छड़ाया और उन्होंने गुरु घर नाल जोड़िया चाहे वह अमरधारी नहीं बने पर गुरु घर नाल जुड़े। कितने भचाल आ गया गुजरात जाके भी सेवा की कितने हड़ आ गए ता भी सेवा की और हमेशा हसदार इंद्रजीत सिंह रंधावा साहब उन्होंने रिश्तेदार हैं अपने इलाके च भी समाज सेवा करते हैं ये भी होंगे सी महापुरुष संत बाबा लखवीर सिंह जी संत बाबा हरपाल सिंह जी सारे इन्होंने नाल दे साथी अज नेक ही बैठे हैं। जदों समान इकट्ठा करके तोड़ना तो उन्होंने बहुत बड़ियाई माण बख्शिश किया हमेशा बेनती संगत नूं है भाई जो मिशन उन्होंने तोड़िया जिस तरह महापुरश उन्होंने आत्म मार्ग का बहुत बड़ी गिनती लोगों के घर घर प्रचार देशों विदेशों प्रचार रहे आप भी दिन रात लगे देशों विदेशों भी जाके प्रचार कर रहे हैं। अज सरकार भी चिंतित है अब सारिया मीटिंगा हुई सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री साहब भी और साले श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल भी इस गल का तहिया किया पंजाब चो नशा खत्म करना आ सारी मीटिंग हुई मैं उसे भी विचार अपने दते भी नशा कला पुलिस के डंडे नाल नहीं खत्म हो सकता। नशा जिन्हें महापुरशा पंजाब देशों विदेशों महापुरशा के सहयोग नाल जिन्हें ढाडी रागी जथे हैं उन्होंने सहयोग नाल श्रोमणी कमेटी फंक्शन च आवे पिंड पिंड जिकन महापुरशा ने इतने एक मिसाल कायम की है दवान ला के रात ता नौजवानी पत्थर चुपने तो बचाई जा सकती है ता ही नौजवानी नशे के रुझान तो बचाई सक अज नशे का जो हल पंजाब चलिया जो पत्थर चुपने का हल चलिया इनू ठल पानी सब से जरूरी है। सो महापुरशा का बहुत लंबा समा पहला जोड़ा मिशन तोरिया उन्होंने वो तो आप तोरन की लड़ है सारे नशा से रहित होने की लड़ है और उस मिशन अगे बधाने की लड़ है भावें साल च पांच बंद अमर छकाओ नशे छड़ाओ हर एक अपनी ड्यूटी समझ आए मैं महापुरशा ता ही उन्होंने कोई रास्ते ते तुर सकदा जे मैं उन्होंने पाए पूर्णिया चलना जो गुरु घर की सेवा उन्होंने करके लोग जोड़े हैं आप लोगों गुरु घर जोड़िए गुरु ग्रंथ नाल जोड़िए गुरु पंथ नाल जोड़िए ता कि उन्हों का जीवन सिमर सके। सो मेरी तो यही सारी संगत नूं बेनती है भी आप सारे जिन्हें महापुरशा के सेवादार हैं जिन्हें उन्होंने सच्चे मनो प्यार करते हैं महापुरश शरीर बदलने कबीर साहब ने कहा सेवा को दो भरे एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सो उन्होंने नाम का जपाया आप जपया जपाया और संगत गुरु के नाल जोड़िया अमर छकाया नशिया से रहित किते उस मिशन आप अगे बधाई। सो मैं इन्होंने शब्दों
इस पवित्र दिहाड़े की सारी संगत को लख लख बधाई भी देना और महापुरशां नूं जो इन्होंने दिन रात सेवा कर रहे हैं सतगुरु के चरणा च अरदास है भी समुचे इन्होंने साथियों नूं समुचे सेवकों नूं गुरु महाराज चढ़दी कला बख्शिश करे और जन दुगनी कौम की सेवा करने का बाल उद्यम बख्शिश करे यही सारिया अपनी संगत की अरदास है और सारी संगत को बेनती है भी आप सारे एकजुट हो के धारीए और लेखा जोखा करिए साल बाद भी किन्ने आप महापुरशां के बचन से किन्ना क पैरा दिता किन्ने बंद नशा छुड़ाया किन्न अमृत छकाया ता ही अपना जीवन सफल है। सो लोग सुखिए पर लोग सहले फिर गुरु भी बांह फड़ता सो मेरी तो यही बेनती सारी संगत को अज के दिन आप करिए भाई आप महापुरशां का जोड़ा आदेश है वो पूर्ति लिए दिन रात काम करिए। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग हस्ती साढ़े हरमन प्यारे जथेदार उजागर सिंह जी बड़ाली बड़ी कीमती विचार आप जी ने साझी कर रहे थे। बहुत लंबा समा इन्होंने महापुरखों की संगत की है उन्होंने तो बहुत बख्शिश प्राप्त कीतिया ने। हुण बेनती करांगे बहुत ही सत्कारयोग प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा जो हलका आनंदपुर साहब तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सिलेक्ट हुए ने बहुत बहुत अकाल पुरख की बख्शिश है इन्होंने उत्ते वड्डी सेवा कौम की देश की इन्होंने हिस्से आई है वो अपने विचार आप संगतान नाल सांझे करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं स्वर्गवासी महापुरख संत बाबा बरियाम सिंह जी दे महान पवित्र जन्मदिन की संगतां नूं लख लख बधाई दिना अपने वालों भी श्रोमणी अकाली दल वालों भी ते इलाका निवासियों वालों भी। संत बाबा बरियाम सिंह जी दे जीवन बारे उन्हां दी सोच बारे उन्हां दी काली कालना बारे बड़े विस्तार विच बड़ाली साहब दस के गए ने और मैं कह सकदा कि गुरु दी बख्शिश सी संत बाबा बरियाम सिंह जी होरां ते उन्हां दी चेहरे की रूहानियत ऐसी सी उन्हां दे विचार ऐसे सी उन्हां दी सेवा ऐसी सी जिस किसे नूं भी मिले जिथे वह गए जो उपदेश उन्होंने अपने मुखारवन तो गुरु साहब दे सुनाए संगतां दे विच उन्हां ते आसर होया और उस आसर का सदका है कि अज रतवाड़ा साहब वाली संस्था जिहड़ी है केवल रतवाड़े नगर जां इत्थों इस इलाके तक ही सीमित नहीं बल्कि मैं कह सकदा कि हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी कोई ऐसा देश नहीं होएगा जिस देश दे विच इस संस्था का किसे ना किसे कोने ते कोई प्रचार ना गया हो आसर ना होवे और अपने देश विच तो कोई सूबा ऐसा होना नहीं जिथे ना आसर होया होवे। पंजाब विच तां थां थां ते केवल अध्यात्मक तौर ते ज्ञान नहीं कराया बल्कि समाज सेवा के तौर पर भी जो गल्ला बड़ाली साहब ने दसियां समाज के लोड़वंद लोगों लई जरूरतमंदा लई गरीब लोगों लई हादा नारा मारते रहे ते सेवा करते रहे और खास तौर पर विद्या खेत्र दे विच विद्या खेत्र दे विच जो इस इलाके दे विच कई किस्म के स्कूल कॉलेजस इतों तक सेहत सेवावां पक्षों भी बहुत वधिया संस्थावां बनाईयां ते समाज की सेवा की और असीं मान ना कह सकते हैं कि धार्मिक समाजक खेत्र विच जो सेवा है संत बाबा बरियाम सिंह जी की
ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੋਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
होर अगे वधे समाज की सेवा कर सके, लोग भलाई हो सके, समाज दियां जिन्नियां कुरीतियां ने चुनौतियां ने उन्हां दा टाकरा करन दे समर्थ सानू बना सके। सो ऐसियां दुआवां ते अरदासां करके एक बार फिर संत महापुरख दे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दे के फतेह बुलाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट्री इलाका श्री आनंदपुर साहब। बहुत कीमती विचार आप जी ने सांझे कर रहे सी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सारिया संगतां इस पावन स्थान ते अज दा महापुरशां दा पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते नतमस्तक होईयां हन। अमृत वेले तो कीर्तन गुरबाणी दी कथा आप जी बड़े प्यार नाल सरवण कर रहे हो। हुणे हुणे आप जी सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा उन्हां दे प्यार दे बचन सरवण कीते ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हां ते रहमत कीती है। आनंदपुर साहिब दी जिहड़ी सीट MP दी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਫਿਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 MP ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਾੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ
कई ऐसिया ताकत हैं जिहड़ियां साडी पंजाब दी ताकत नूं घट कर रही ने। सिखी उत्ते हमले जिहड़े ने तरह तरह के हो रहे ने, कुछ ऐसे गुरु डम चल रहे हैं जिहदे नाल साडे सिखां दी जिहड़ी शक्ति है उहनूं कमजोर करन दे यतन जिहड़े ने कीते जा रहे ने। मेरी इहनां नूं बेनती है कि इस इलाके दे आनंदपुर साहिब ने इहनां दे उत्ते बड़ा माण और इहनां ते भरोसा करके इहनां नूं जित प्राप्त कराई है। ये आनंदपुर साहिब की आवाज ये गूंज जिहड़ी है सेंटर विच पूरी गर्ज के दसण कि साडे पंजाब नाल किसी तरह का वितकरा ना होवे। सारा इलाका सारिया संगतां इन्हां दीआं पिट पिछे खड़ियां हन। जेकर ये सच ते चलणगे सतगुर सच्चे पातशाह ने ते होर कृपा करनगे। मेरी यही बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हुण प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा के नाल होर पतवंत आए सरदार जसबीर सिंह जी लाली प्रधान यूथ अकाली दल मोहाली, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती है वह भी सरोपा प्राप्त कर लैन। माफ करना, मैं बधाई बाबा जी के जन्मदिन की दे लगे रहा। मैं संगत का धन्यवाद करना भुले गया क्योंकि लोग सभा का मैंबर बनने तो बाद पहली बारी जितने तो बाद भावें मैं परिवारक तौर पर अखंड पाठ साहब इतने करा के गए सी, पर बहुत निजी जहा फंक्शन सी साडे मित्र वालों। अज खुले तौर पर पब्लिक दे विच आए हैं पहली बारी। सो थोड़ा बहुत बहुत जिते सारी संगत का इलाके वाले का मावा भैन वीर बजुर्गों का धन्यवाद आ। उत्थे संस्था दे जिहड़ियां अरदासां ने संत बाबा लखवीर सिंह जी ते सारी संस्था वालों टिकट मिलन तो बाद मैं पहली बारी इत्थे आया बाबा जी तो आशीर्वाद। भावें टिकट मिलन तो पहला भी आके गया सी और बाद दे विच भी अरदास की सी स्थान ते, और अरदास गुरु ने पूरी की आ किरपा अकाल तेरी भई जीत मेरी। गुरु की किरपा हुई और उस अरदास की बख्शिश हुई जो इत्थे बाबा जी होर ने इस स्थान ते की। सो मैं संगतां का भी जिथे धन्नवाद करदा, गुरु के शुकराना गुरु दियां बख्शां का भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। और बाबा जी ने जो उपदेश दिता है वह मेरे मन च आ, वह कोशिश करांगा क्योंकि तुसीं वकील बना के भेजिया। वकील का काम होंदा केस लड़ना, केस लड़न दे विच वकालत करन दे विच रत्ती भर भी कोई कसर नहीं छड्डांगे, ये तुहानूं मैं विश्वास दवा सकदा। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। सत्कारयोग बीबी अमनजोत कौर जी रामूवालिया, जो रामूवालिया साहब दे होनहार बेटी है। सो पहला इन्हों सरोपा गुरु की सीध दिता जाएगा, उस तो बाद दो मिनट आप संगतान के दर्शन करेंगे। इन्होंने नाल होर पतवंत सज सरदार जसप्रीत सिंह जी लाली प्रधान यूथ अकाली दल मोहाली, उन्होंने बेनती है भी सरोपा प्राप्त कर लैन। सरदार अवतार सिंह जी वालिया ठेकेदार साहब, सरदार हरदेव सिंह जी हरपालपुर OSD साहब, प्रोफेसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा, वह भी कृपा करके गुरु की असीस रूपा प्राप्त कर लैन। सो सब संगतों को बेनती है अगला प्रोग्राम बहुत सुंदर सुहावना है, महापुरखों के अमृत वचन आपने प्यार सरवण करने ने। बीबी अमनजोत कौर जी रामू वाली आप संगतों के दर्शन करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। दसे पातशाहियां दसे पातशाह जी जगमग जोत वड्डे साहब साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सब तो पहला तो समूह संगत न, संत समाज न, बाबा लखवीर सिंह जी नू, सानू सारिया नू बाबा बलराम सिंह जी दे जन्मदिन दे इस शुभ अवसर की लख लख वधाई होवे। कदे कदे गुरु महाराज कृपा करदे आ कि ऐसिया महान शख्सियतां धरती ते जन्म लैंदियां किस लई, इस लई कि साडे वर्गे थोड़े ते मेरे वर्गे तड़पदियां रूहां नूं शांत करन लई, उन्हां नूं जीवन मार्ग दिखाउण लई। मैं बहुत धनवादी हाँ, हमेशा ही मेरा मन धनवादी रहिंदा है संत समाज का, जो सानू रूहानियत बुद्धि बख्शदे आ, सानू रूहानियत मार्ग दिंदे आ गुरु महाराज के चरणों तक ले जाण दा। उस दे नाल नाल ही पंजाबियों नू
सिखा नू खास करके संत समाज ही है जो नशिया तो ते होर समाजिक कृतियां तो दूर रखता है। मेरी एक बेनती है, मेरे पिता सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया ने तमाम उम्र लोक सेवा की है और असी सियासत घट ते लोक सेवा ज्यादा करते हैं। मेरी बेनती है अज इत्थे एकागर होए पंजाबियों नू कि तुसी भी समाज सेवा विच हिस्सा पाओ, अपनियां धीआं दे सन्मान लई, पंजाबी धीआं दे सन्मान लई अपने पुत्रां दा विआह बिना दाज दहेज तो ते सादे विआह करो। कोशिश करो कि धीआं दा भी विआह सादा होवे। इस वक्त समा बहुत नाजुक आ, खास करके पंजाबियों ते, कि साडी बौद्धिक ज्ञानता घटदी जा रही है, साडे बच्चे चंगा म्यूजिक नहीं बनाते, चंगे गाने सुनते नहीं, चंगे गाते नहीं। साडी संस्कृत ते सभ्यता नू एक एडा वड्डा चैलेंज आ चुकिया जिदे विच असी बड़ी दुविधा दे विच फस गए हाँ। संत समाज अपनी बाखूबी जिवें आपदी आपदे अपना कर्तव्य निभा रहा, उवें ही सियासतदानां नू भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं ते मेरे पिता इस कर्तव्य नू निभाउंदे होए असी सेहतमंद पंजाब दे लई कैंप शुरू किते आ तां कि थोड़े थोड़े पंजाबियों नू 50-60 पंजाबियों नू इकट्ठे होके एक गल समझा सकीए कि हुण इस वक्त ते आने वाली पीढ़ियां नू सुरक्षित भविख देने लई बहुत जरूरी आ नशियां तो दूर करना, समाज दियां होर कृतियां तो दूर करना। इस कौम नू जिन्हों मुगल खत्म नहीं कर सके, जिन्हों अंग्रेज खत्म नहीं कर सके, पर याद रखो कि नशा सानू खत्म कर सकता, सानू साडी पंजाबीयत नू ते पंजाबियों नू एक बहुत वड्डा चैलेंज है। मैं धन्नवादी हाँ बाबा जी सुखविंदर सिंह जी दी, हमेशा उन्होंने सानू माण इज्जत ते छोटी भैन वांग मैनू प्यार बख्शिया। मैं बाबा वरियाम सिंह जी लई एक तुक पढ़नी चाहुंदी हाँ जो गुरु साहब लई है, पर धरती ते वधिया मनुख इसे लई पैदा होंदे हन, तख्त बह तख्त की लायक अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। जिवें गुरु हरगोबिंद साहब ने साडी उदों मूर्त सवारी सी पंजाब दी, उवें ही बाबा वरियाम सिंह जी ने भी पंजाबियों नू मार्गदर्शन ले देण लई इस धरती ते जन्म लिया सी। मैं उन्हां दी भी स्वर्गां च बैठियां दी बहुत धन्नवादी हाँ। एक बार फिर तुहानू सारियां नू बाबा जी दे जन्मदिन की लख लख वधाई होवे ते संत समाज दी मैं एक बार फिर दोने हथ जोड़ के धन्नवादी हाँ कि कौम नू मार्गदर्शन दिओ ते इस कौम नू इस तपदी रेत दे विचों बचाउण दी कोशिश करिए। असी सारे इकट्ठे होके बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। बीबी अमनजोत कौर जी रामूवालिया आप जी दिनां विचारां सांझियां कर रहे सन, बहुत बहुत धन्नवाद। हुण दो मिनट वास्ते रतवाड़ा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी सरदार इंद्रजीत सिंह जी रंधावा आप संगतां दे दर्शन करनगे। उन्हों तो बाद जो संत वरियाम सिंह मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल और गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सैकेंडरी स्कूल के अध्यापकों की कार्यशाली बहुत ही उत्तम पाई गई है, उन्होंने सम्मानित किया जाएगा ते उस तो बाद अगला प्रोग्राम चलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस बाबा जी दे बहुत ही पवित्र दिहाड़े उत्ते गुरु महाराज की हजूरी च बैठी साध संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं अज सारे एक उस बहुत वड्डी महान आत्मा दे एक जन्म दिहाड़े उत्ते असीं इकट्ठे होए हैं जिन्होंने सानू सारिआं नूं देशां विदेशां दे विच सारे हिंदुस्तान दे विच और खास तौर दे उत्ते जिहड़ा साडा एरिया वा जिथे इस वेले तुसीं एक बहुत वड्डी रतवाड़ा साहब दे विच बैठे हो, संत महात्मा ने संत महाराज जी ने उन्हां नूं
बहुत वड्डा इत्थों दा उपदेश दिता और जाके हर पिंड दे विच जाके उन्होंने एक अपनी नाल जिहड़ी सी अपनी शाख छड्डी। उस वेले दे नाल जिहड़े साडे संत महात्मा बैठे ने, सरदार बाबा लखवीर सिंह जी साडे इस संस्था दे मुखी ने इस वेले, उन्हां वल्लों जिहड़े अगे काम कुछ जिहड़े उधीरे साडे होए रहणगे सीगे उन्हां नूं अगे जिहड़े जिस हिसाब नाल उह अगे कर रहे ने, मैं थोड़ा जिहा उन्हां दा विस्तार जरूर तुहानूं दसूंगा कि असी साडा जिहड़ा कॉलेज सीगे स्कूल सीगे उन्हां दे विच असी होर अगे जिहड़ियां साडियां उच्चियां बुलंदियां सी उन्हां वल पहुँच रहे हाँ। ऐरकां दे जिहड़े साडे स्कूलां दे रिजल्ट सीगे ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ 100% ਐਂਡ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ CBSE ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ BG ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ BED ਕਾਲਜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ GNM ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ +2 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ BED ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਯੋਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ BG ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ
जिहड़ा साडा रतवाड़ा साहब आ इहदे उत्तों जिहड़ियां तुहानूं रूहानीयत दे नाल नाल जिहड़ियां तुहानूं जिन्नियां वी चीज़ां मिलदियां ने उह तुहानूं जरूर लैणियां चाहीदियां ने। रूहानीयत ते असीं बाबा जी दे ही रहे ने, इहनां दे सहयोगी दे ही रहे ने सारे जणे, लेकिन यह भी चीज़ां जिहड़ियां ने सानूं नाल सारयां नूं लै के एक नवीं जिहड़ी बुलंदी आ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਅਤਾਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਕਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚੜਾਵਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਗੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਬਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਸੈਂਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ 70% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
यूपी दे वेच सीगे उदों तो उन्होंने इस चीज़ के उत्ते अगे प्रचार करना शुरू कर दिता सीगा। और मैनू बाबा जी एक दिन एक बार पहलों भी दस रहे सीगे और उस तो पिछों भी बाबा लखबीर सिंह जी दे नाल भी जां बाबा उन्हां दे नाल मैं वेख्या कि उदों तो ही ये उन्हां दे नाल जुड़ के उत्थे लगे ने। जिस तरह यूपी दे विच इन्हां नाल लगे सी उस तरह ही हुण इन्हां ने देश विदेश दे विच ते इत्थे साडे देश दे विच और पंजाब दे विच उस तरह ही अगे लगे ने। जिस तरह हुण साडियां कुछ संस्थावां जिहड़ियां ने स्कूल्स ने जिहड़े ओह वक्खरे वक्खरे असीं पंजाब दे विच ही अगे खोले ने और उन्हां दे विचों भी तुहानूं सारिआं नूं पंजाब दे विच लोकां नूं उहदा फायदा भी लैणा चाहीदा वा। क्योंकि सैकेंड मैं गल जरूर कहूँगा तुहानूं जिस तरह साडे इत्थे बिरध आश्रम आ माई वड़ा वा साडे कोल उहदे विच भी तुहानूं सारिआं नूं उहदा फायदा भी बाबा जी दी रहनुमाई दे विच लैणा चाहीदा वा और लै के लेकिन असीं जरूर मैं कहूँगा कि जिहड़े साडे बिरध आश्रम वगैरह ने इहो जिहियां चीज़ां ने उहदे विच असीं अमीरां नूं इह नहीं कदी वी लै के आउंदे इत्थे हैगे। साडी इह कोशिश हुंदी है कि जिहड़ा आदमी कोई वाकई लोड़वंद आ बजुर्ग जिहड़े लोड़वंद ने उहनां नूं लै के इत्थे आंदा जावे और उहनां नूं इत्थे जिहड़ा हैगा वा उह सानूं असीं सारी उहनां दी सेवा कर सकीए। सो मेरी इहो जां कई साडे कुछ इहो जिहे बच्चे ने जिहड़े साडे बच्चे बेआसरा ने जिन्हां दा कोई माँ प्यो नहीं रिहा हैगा उहनां दे लई बाबा जी ने जां उह तों पहलों संत बाबा हरपाल सिंह जी ने उन्होंने एक बड़ी नवी गल चलाई सी कि साढ़े जिहड़े स्कूल्स ने उन्होंने असी उन्होंने मुफ्त जिहड़ी पढ़ाई दे सकीए। लेकिन उस तरह ही हुण बाबा जी ने जिहड़ी हैगी सानू उहनू होर भी अगे वधा के उहदे सानू अगे लिआंदा वा और असी उस तरह ही अगे तुरे चलांगे। मैं इस गल दे उत्ते तुहानू सारी संगत नू आई नू मैं वधाई भी दिंदा वा और संत बाबा लखबीर सिंह जी का मैं धन्नवादी हाँ कि उन्होंने जो जो चाहते सीगे। मैं एक गल होर कहनी भुल गया कि बाबा जी ने पिछले समागम दे विच एक गल कही सी कि साडा जिहड़ा अगला समागम आ असीं उहदे लई एक नवां शैड बना रहे हैं तो उहदे लई बाबा जी ने फैसला करके जिहड़ा नवां शैड आ उहनूं असीं थोड़े ही दिनां दे विच कुछ समें दे विच विच असीं उहनूं शुरू कर रहे हैं। बाबा जी ने कल ही सारिआं जिहड़ी साडी संगत सीगी जिहड़े साडे आदमी ने सियाणे सियाणे उहनां नूं उन्होंने ऑर्डर दित्ता वा। मैं बाबा जी को रात बैठा सीगा ते उन्होंने असीं जिस कुछ आदमियों दे नाल गल करनी सी असीं उह वी कीती आ तो मैं खास तौर दित्ते जिहड़ी इन्हां दी एक गांह वधू सोच आ रतवाड़ा साहब नूं ते उह तां चुकदे चुकदे आ लेकिन संगतां दा जिहड़ा इन्ना ख्याल रखदे आ और संगतां दे नाल नाल आम जिहड़ी संगत आ उहदा ख्याल रखदे आ कि मैं इस जिस तरह बाबा जी का मन सीगा कि एजुकेशन नूं असीं अगे लै के चलीए उस तरह बाबा जी उदा वधा रहे ने। संत बाबा लखबीर सिंह जी मैं खास तौर उत्ते बाबा लखबीर सिंह जी का भी इस उत्ते धन्नवाद करूँगा कि इस तरह ही अगे नवी जिहड़ियां बुलंदियां उन्हां उत्ते लै के चलन। आई संगत का बहुत बहुत धन्नवाद ट्रस्ट वालों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। सरदार इंद्रजीत सिंह जी रधावा जो मिशन के प्रोग्राम चल रहे ने उन्हां बारे आप जी नूं जाणू करा रहे सी बहुत बहुत धन्नवाद है। सो इस स्थान वालों सरदार इंद्रजीत सिंह रधावा नूं बेनती है सरोपा लै लैण और बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरभाग सिंह जी देसू माजरा जो जिला रोपड़ के कांग्रेस के प्रधान ने और इस मिशन के बहुत पुराने सेवादार बड़ा लंबा समा बोले सो निहाल बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं बेनती करांगा सरदार हरभाग सिंह जी देसू माजरा वो आप संगतों के दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जगमोहन सिंह जी कंक साहब जो हमेशा ही इस संस्था के नाल बड़े लंबे समय तो जुड़े हुए ने वह भी श्रद्धा के फुल भेट करने वास्ते आप संगतों के दर्शन करने वास्ते आशीषा लैन वास्ते इतने पहुँचे ने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मुकदस गोद दे विच महापुरशां दे जन्म दिहाड़े ते सारे ही सत संगत माई भाई वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम बहुत हो गया थोनू सारिआं नूं लख लख मुबारकां अज दे दिहाड़े दियां। अकाल पुरख दा धन्नवाद करदा कि उन्होंने साढ़े इलाके बारे सोचिया ते महापुरशां नूं इस धरती ते आउणा पिया। मैं दावे नाल कहिंदा अगर 25-30 साल पहला झात मारी इस इलाके दा की सी। कई बुलारिआं ने भी कहा कि तंबाकू नशे आर्थिक हालत किदां दी सी अज इलाका चढ़दियां कलां च। महापुरशां नाल गल करिआ करदे सी 20-25 साल पुरानी गल डेकां थल्ले बैठे
कि साडा इलाका बहुत पछड़िया होया है, तो पिता जी क्या करते सन कोई वक्त आएगा कि सिखरली चोटी ते यह रोपड़ होगा। अज प्रतख नूं प्रमाण नहीं, इसे स्टेज ते कदे हिंदुस्तान दे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आए, अज चंदूमाजरा जी बोल के गए। पार्टी की गल नहीं, सियासी लीडर जिहड़े मौजूदा सरकार च है चाहे बाहर है, इत्थे हर एक ने नकमस्तक किया है, तो महापुरशां दा आशीर्वाद लिता है। तो चंदूमाजरा जी कह रहे सन मैं अखंड पाठ इत्थे करा के गया, जित प्राप्त होई, ये तो अकाल पुरख दीआं बख्शिशां हुंदीआं है। दास नूं भी बड़ा लंबा समा हो गया, मैं तां लीडर दे तौर ते नहीं, मैं तां इक इस परिवार दा जी हाँ, मैंबर हाँ, बड़े लंबे समय तो जुड़े हुए हाँ, ते तुहानू सारयां नूं अज दे दिन की बधाई भी दिंदा है। समा समा हरेक जगह ते जिते जिहड़ा पिछे रहा इलाका, अकाल पुरख महापुरशां दी विच आप समूही हो के इत्थे आए ने, उस इलाके नूं तारिया है। सही माने च महापुरशां दे अज जिहड़ा खुशियां दा दिहाड़ा प्रवान तुहानू तां है, उन्होंने कहे पूर्णिया चलीए, नशिया विवरत और गुरसिख बनीए, गुरु ग्रंथ साहब जी जुड़िए। जो वांगडोर संत बाबा लखवीर सिंह जी ने उन्होंने फड़ी है, बाखूबी निभा रहे हैं। मैं कामना करा अकाल पुरख के चरणों सच्चे पातशाह बड़ी लम्मी आयु बख्श, ता कि साडे इलाके तारते रहन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੀਸ ਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਇਲਾਕਾ ਮਰਿੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰੜ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਖਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕਣ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਔਰ ਦੋ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ
कहन लगे भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चियां पढ़ रही ने, कोई बी एड कर रहा है, कोई नर्सिंग कर रहा है, पर इस इलाके मैं नजर आ रहा वह बच्चिया भी ने जिहड़ी गरीबी करके ज किसी वजह करके पढ़ नहीं सकियां, उन्हां कोल कोई हुनर नहीं है, उन्हां दा जीवन की होएगा। असीं कहा जी हुक्म करो, कहिंदे उन्हां वास्ते एक सिलाई सेंटर खोलो, वह आत्म निर्भर हो सकन, जो अपने बीबिया के ड्रैस है वह सीखण, बच्चों के कपड़े सीखण, कुर्ते पजामे सीखण, पेंटा सीखण, कढ़ाई सीखण, ता कि वह अपना कारोबार भी आरंभ कर सकदियां ने, ना या फिर अपने घर का जो खर्चा है सिलाई का वह बचा सकदियां ने। उहदे वास्ते डायरेक्शन किवें दित्तियां, देखो सब तो पहली गल महापुरखां दी भी उहनां बच्चियां नूं एक भी पैसा खर्चण नहीं देना, घरों लैके आना, घरों छड के आना, चाह पानी की सेवा इथों आप ले जा के उन्हां दी चाह पानी की सेवा करनी है, उन्हां वास्ते पखे लवाने हैं, उन्हां वास्ते मशीनां दा प्रबंध करना है, उन्हां वास्ते ट्रेनड टीचर दा प्रबंध करना है, उन्हां वास्ते ठंडे जल दा प्रबंध करना है, और डिसिपलिन पूरा रखना है, अटेंडेंस पूरी रखनी है, किन्ने बजे आउंदियां ने बीबियां हाजरी लाउणी है, किसी ने पहला जाना रिकॉर्ड करो किन्ने बजे जाना, मोबाइल नंबर सब का पता होवे, कोई बीबी इधर उधर सज्जे खब्बे ना जावे, पूरी ड्रैस होवे, जिस तरह स्कूलों डिसिपलिन है उस डिसिपलिन दे नाल 100 तो वध बच्चियां इत्थे फ्री सिलाई सेंटर दे विच ट्रेनिंग लै रही ने। सो पहला साडा ख्याल सी कि अक्तूबर तक चलेगा, पर बीबिया भी कहन लगी महापुरखियां कि ना बिल्कुल बंद नहीं करना, जिन्ना चिर भैणां बीबियां बच्चियां आउंदियां रहणगियां उन्ना चिर सिलाई सेंटर चलता रहेगा। ये मैनू बहुत प्यारियां ने, किसी वजह करके ये कमजोर रह गई, पढ़ नहीं सकियां, इन्हों की घर की हालत कोई ऐसी है, किवें ना किवें कोई हालात बने, इन्हों का जीवन भी असीं उत्ते चुकना है। मैं हैरान रह गया परसों चौथे सेंटर च गया, कमाल की सिलाई है, बच्चों की ड्रैस बनाईया ने, छोटे छोटे बच्चों के उन्होंने फराकों बनाईया ने, सलवारा कुर्ते पजामे किन्ने सोहने सोहने कुड़ियों ने बनाए ने, मैं हैरान रह गया भाई किन्नी मेहनत की इन्होंने की है। सो कहंदियां ने असीं महापुरखां नूं इह सारा कुछ ही अपना दिखाउणा है भी असीं इह कीता, जदों देखणगे महापुरख बड़े प्रसन्न होणगे। सब तो वध ध्यान महापुरखां दा जो मैं महसूस करदा इह सिलाई सेंटर वल है, भी इह विपक्ष साडे समाज दा कितें कमजोर ना रह जावे, सो बहुत वड्डी गल है। सो मैं बेनती करांगा कि रतवाड़ा साहब की हिस्टरी के अंदर फस्ट टाइम होया है कि चारे रिजल्ट गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सैकेंडरी स्कूल और संत विराम सिंह मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्लस टू के और मैट्रिक के रिजल्ट 100% आए ने। सो बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स जोड़े ने 90% तो उत्ते ने, ते एक जो बेटी है फस्ट टाइम डिस्टिंक्शन के आई है, ये महापुरखों की बहुत असीसा और उन्होंने सतगुरों की अपार बख्शिश है। सो जिन्हें टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, जिन्हां दे पढ़ाए हुए सबजैक्ट विच बच्चियां ने 90% तो उत्ते नंबर लए ने, महापुरखां दा हुक्म है भी उन्हां नूं सन्मानित करो, उन्हां ने मेहनत बहुत कीती है, असीं ट्रस्ट वल्लों उन्हां नूं शाबाश देनी चाहुंदे हां, अरदास भी करदे हां कि महाराज इन्हां नूं इस तरह मेहनत करदे रहे। सो मैं बेनती कर दांगा सब तो पहलां गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो CBSE दे नाल अफिलिएटेड है, उन्हां दे जो टीचर्स आए ने 6 टीचर्स आए ने जिन्हां दे पढ़ाए हुए बच्चों के नंबर 90% तो उत्ते ने प्लस टू दे, वो टर्न बाय टर्न इत्थे आउंदे जाणगे, महापुरख अपने कर कमलां द्वारा उन्हां नूं लैटर ऑफ एप्रीसीएशन देणगे और 5100 रुपया नकद इनाम उन्हां नूं दिता जाएगा। सो मैं बेनती करांगा बाबा हरपाल सिंह जी नूं, वह भी कृपा करके आ जाण, सकारजो भाई सुखविंदर सिंह जी जिथे भी होण वह भी इत्थे आ जाण, और कंग साहब अपने रंधावा साहब सारे पतवंते सज्जन सारे मिलकर इन्हां टीचर का हौसला अफजाई कर। सो मैं पहले बेनती करूँगा मैडम मनजीत कौर मावी जो पंजाबी पढ़ाते हैं, डिसिपलिन डिविनिटी इंचार्ज ने, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने, इन्हां दे 5 बच्चे 90% तो उपर नंबर लैके प्लस टू CBSE चो पास हुए ने। सो मैं बेनती करूँगा जिन्हें जिन्हें नाम अनाउंस हो रहे हैं एप्रीसीएशन लैटर दिता जाए और नालों नाल जो चैक है इन्हों दिता जाए, नालों नाल सरोपा गुरु की असीस इन्हों दिता जाए, फटाफट दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फटाफट दो ना, तुम दो इन्हों फटाओ। मैडम मनजीत कौर मावी जी 5 विद्यार्थी इन्हों दे प्लस 90 बोले सोनिहाल, मिस्टर गुरप्रीत सिंह जिन्हों के 16 विद्यार्थी 90% नंबर तो उत्ते पास हुए ने, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी कुराली वाले, फटाफट टीचर तू सब बेनती है फटाफट आई जाओ।
मिसिज रेनू भाटिया जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं इंग्लिश के लैक्चरार ने जिन्हों के दो विद्यार्थी प्लस 90 मार्क्स लैके पास हुए ने। हाँ जी मिस्टर भूषण जे बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं मिस्टर भूषण। हाँ जी जल्दी जल्दी आ जाओ जी। मिस्टर परमजीत सिंह जी कैमिस्ट्री के लैक्चरार ने उन्हों का भी एक विद्यार्थी 90% उपर कैमिस्ट्री लैके पास होया है। और मिस्टर मैडम रवनीत कौर फाइन आर्ट के टीचर ने उन्हों का भी विद्यार्थी 90% उपर नंबर लैके पास होया है। रवनीत कौर जी फाइन आर्ट टीचर। हाँ जी सुरपा लैटर ऑफ एप्रीशिएशन पे 5100 रुपया इनाम। और जेडे विद्यार्थी फस्ट आए ने मैट्रिक दे विचो गगनदीप कौर 65% 9.6 और प्लस टू दे विचो हरसिमरन कौर 2.5 नू इन्हां नू बहुत बहुत इन्हां दा वधाइयां। जो कंसोलेशन प्राइज है जिन्हां टीचर ने रिजल्ट भावे सब का 100% है पर कुछ कमी रह गई जानी कि 89.4 90% अचीव नहीं कर सके फिर भी ट्रस्ट उन्हां दी वर्किंग तो सैटिस्फाइड है। मिस्टर रविंद्र कुमार जो मैथमैटिक्स पढ़ाते हैं पहली बार उन्हां दा मैथ का रिजल्ट 100% आया कोई भी विद्यार्थी उन्हां दा पिछे नहीं रहा। रविंद्र कुमार मैथ टीचर कुराली वाले बहुत मेहनती नौजवान ने। विशाल राणा फिजिक्स पढ़ाते हैं उन्हों का रिजल्ट 100% वेरी नियर टू द। हाँ जी है नहीं चलो मैडम प्रिंसीपल फड़ लैन। मैडम प्रिंसीपल दोनों बेनती है वह भी ना आ जाए दोनों प्रिंसीपल मैडम नाल। हाँ जी ब्रिज बाल डोगरा जी इकनोमिक्स के टीचर ने वह भी अपना ये इनाम प्राप्त कंसोलेशन प्राइज प्राप्त कर लैन। चलो ठीक है। हाँ जी हूँ है संत विराम सिंह मैमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल रतवाड़ा साहब जो महापुरखों के नाँ के उत्ते महापुरखों के बच्चों वालों आरंभ किया गया सी जिहदा रिजल्ट 100% है। उस मिस्टर विनोद है वो 5 विद्यार्थी 90+ नंबर लैके फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं। मिस्टर विनोद ब्रिजवाला। हाँ जी अगे ब्रिजवा मैडम ब्रिजवाला अगे। हाँ जी हाँ जी अगे 10th का रिजल्ट संत विराम सिंह मेमोरियल सीनियर सैकेंडरी स्कूल मिसिज परमजीत कौर जिदे 9 विद्यार्थी पंजाबी सब्जेक्ट के विचों प्लस 90 लैके पास होए ने। मैडम रवनीत कौर इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश विचों 90+ 4 विद्यार्थी आते हैं। मैडम दलजीत कौर जिदे 18 विद्यार्थी हिंदी सब्जेक्ट के विचों प्लस 90 लैके पास होए ने। मैडम टीना जिन्हां दे 2 विद्यार्थी साइंस दे विचों प्लस 90 लैके पास होए ने। और उस स्कूल दी जो मैट्रिक तो फस्ट आई है बेटी मनप्रीत कौर 87.5% मार्क्स ने नगर पड़ौल दी रहन वाली ए बेटी है मनप्रीत कौर फस्ट। और प्लस टू दे विचों रमनदीप कौर पिंड रुड़की 87% मार्क्स ने दे ए फस्ट आई है मनप्रीत रमनदीप कौर। तो इस स्कूल का जो कंसोलेशन प्राइज जो जिन्हें टीचर ने मेहनत बहुत की है पर 90% के बहुत लागे जागे ने पर प्राप्त नहीं कर सके मेहनत बहुत की है। मैडम नवनीत कौर जो पंजाबी पढ़ाते हैं रिजल्ट 100% सब का 90% अचीव नहीं कर सके पर वो बहुत नेड़े ने। मैडम नवनीत कौर पंजाबी। मैडम बलजीत कौर मैथमैटिक्स मैथमैटिक्स मैडम बलजीत कौर। मैडम कैलाश सोशियोलॉजी पढ़ाते ने ये कंसोलेशन प्राइज इन्हों दिता जाता है भाव इन्होंने मेहनत बहुत की है पर टारगेट तो थोड़ा जा पिछे रह गए। सो अरदास है अगले साल ये अपने टारगेट अचीव करके वड्डा इनाम हासिल करनगे। ये कारजुगारी इन्हों टीचर दी जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इतने एक नवा रिकॉर्ड कायम किया कि रतवाड़ा साहब स्कूलों का जो रिजल्ट दोनों पासे मैट्रिक और प्लस टू का 100% और जे आप डिविनिटी देखिए कीर्तन च भी फस्ट गेमां दे विच भी फस्ट हर पासे इस स्कूल के विद्यार्थी अगे ही अगे आते हैं महापुरखों दी असीसां बख्शां ने। हाँ मैडम रीतू अबराय जी प्रिंसीपल गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सैकेंडरी स्कूल जिन्हां की रहनमई हेठ यह स्कूल चल रहा है बड़ी कामयाबी दे नाल बड़ी मेहनत करते हैं वह कृपा करके महापुरखों तो कर कमलों द्वारा गुरु की असीस प्राप्त कर लैन। और दूसरे स्कूल के प्रिंसीपल
दोनों प्रिंसीपल मैडम बेनती है कृपा करके गुरु की शीस रूपा प्राप्त कर लैन, क्योंकि दिन रात मेहनत का सिट्टा रिजल्ट है कि इस स्कूलों का नाँ अज चंडीगढ़ के मुकाबले जा खड़ा होया। और जे इस तरह बख्शिश गुरु की रहेगी तो यह चंडीगढ़ के स्कूलों नालों भी कितने अगे जा निकलेगा। सब तो वड्डी गल इत्थे हर रोज जदों पढ़ाई आरंभ हुंदी है श्री जपजी साहब के पाठ के अरदास तो बाद हुंदी है। जिहड़ा बच्चा जपजी साहब का पाठ करके कोई भी काम करदा कभी जिंदगी च फेल नहीं हुंदा, यह प्यारे महापुरखां का वचन है। हुण भाई साहब भाई मक्खण सिंह जी मनीला नूं बेनती अपने साथ सैट कर लैण फटाफट, जो प्यार दे गीत उन्होंने लिखे ने वह इत्थे संगतां नूं श्रवण कराउण। भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी नूं बेनती है जिन्हें चिर साज सैट हो रहे हैं आप संगतां दे दर्शन करनगे, उन्हां तों बाद कार्ज बाबा हरपाल सिंह जी वह भी संगतां दे दर्शन करनगे। साध संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा मुबारक दिन महापुरखा का जन्म दिहाड़ा, ये खुशी एक याद विच बदली हुई है। जिथे अज थोड़ा गर्मी का ते संगत का मुकाबला सी, गर्मी भी बेअंत ते संगत भी बेअंत, जिन्नियां भी कौमां होईयां ने संपर्दावां होईयां ने जथेबंदियां होईयां ने अस्थान होए ने, सारयां दा कोई ना कोई वड्डा सरमाया है, सारे धर्मां वालियां कोई सरमाया है। उन्हां दे पीर पैगंबर औलिए ऋषि मुनुई मुखी महात्मा संत महापुरश कुछ ना कुछ छड के गए ने। साडे कोल धार्मिक ग्रंथ ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, होर ग्रंथ ने, साडे कोल अपनी बोली है गुरमुखी पंजाबी, साडे कोई सरूप है दसवें पातशाह ने बख्शिया है, साडे कोल अपनी कोई विरसा है विरासत है। गल विरासत ते लियानी है कि महापुरखां ने सानू की छड के गए ने जिस ते सानू माण है, अज भी है ते आउण वालियां सदियां नू पीढ़ियां नू ओ माण सदा ही रहेगा। ये जिहड़ियां विचारां हुणे स्कूलां दियां हो रहीयां सन, सरदार इंद्र जी संधावा दस के गए ने, चाहे सिलाई सेंटर है, चाहे आत्मार्ग मैगजीन है, चाहे स्कूल ने कॉलेज ने, आ तुसियां संगतां हो, इस तों वड्डा सरमाया होर कोई नहीं हो सकता। आप जी का प्यार ते तुहाडा सहयोग, भावें गर्मी जां धुप्प दे अगे बेवसी है, तुहाडी भी है प्रबंधकां दी भी है, पर तुसी अपना प्यार ते सहयोग जी दो मिसाल दित्ती अज दे दिन कि इस नूं किसे भी पैमाने नाल मिलिया नहीं जा सकता। सो आने वाले समय जदों तक साथ सैट हो रहे ने महापुरखां ने, तुसी बच्चों के जन्मदिन मनाते हो, शायद ही कोई गुरसिखी की सोझी वाला होएगा जिहड़ा केक नहीं कटदा, कटदे होंगे घरां विच केक कट्टे जांदे ने, बच्चे कटदे ने, नहीं सियाणे कट्टणगे, पर तुसी याद रखो गुरमत विच केक नहीं कट्टना पर आत्म मार्ग की रसीद कटा के जरूर जाना है। जदों शरीर च ओह सामने कुर्सी ते बैठदे सी जिसके हाथ च पंज मैगजीन दस मैगजीन सौ मैंबर पंजाब मैंबर बेअंत खुशियां, हाथ हुण भी खड़ा है उत्थे फोटो ते तस्वीर ते, ते अज भी जाण लगे हो, जदों जाओगे लंगर बेअंत चल रहे ने, जलेबियां पकौड़े सब्जियां दालां किन्ने, पर सारयां तों जो तुहाडा प्यार ते सहयोग ये सारयां तों उत्तम है ते नाल जांदे जांदे एक मैंबर कोई वड्डी गल नहीं, किन्ने तुहाडे साग संबंधी रिश्तेदार होणगे, उस केक कट्टण नूं इधर बदलना केक रसीद जरूर कटा के जाना है। सो आउण वाले समय च तुहाडा प्यार ते सहयोग इसे तरह इस संस्था नूं तुसीं इसे तरह प्यार करदे रहो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ,
जिहड़े आ सरकार हुण आए सीगे चंदू माजरा जी आए ने बोल के गए ने उन्हां नूं इत्थे उन्हां बारे स्टूडेंटां बारे भी सोचना चाहिए जिहड़े पढ़ लिख के काम नहीं लगे हुए जिहड़े पढ़ लिख के लोगों के दिहाड़ियां करते फिरते ने ते ए उन्हां नूं बहुत जरूरी सोचना चाहिए ता ही साडा ए बाबा बरियाम सिंह जी का जिहड़ा चलाया होया ए ट्रस्ट है जिहड़ा रतवाड़ा साहिब का भी बच्चों पढ़ाया जाए लिखाया जाए तो सानू जिहड़ा वे अगे वधन का मौका मिले वो ता ही मिलेगा ना जे सानू नौकरियां मिलनगियां ते जे असी बिना नौकरियां तो ही धक्के खांदे फिरे तो कोई फायदा नहीं साडा इस करके उन्होंने मेरी बेनती है भी उन्होंने बेरोजगारों जड़ी ये नौकरी जरूर मिले ते बाकी अपने बाबा जी दिन रात सेवा कर रहे हैं तो असं भी कोशिश करते हैं जिनी कु हो पर नहीं कर चलो थोड़ी बहुत ही कर ली दी आ बाकी मैं बोलना इन्ना आता नहीं गा तो बाबा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना तहु तो गज के फतेह जरूर बुलायो एक बार वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू फतेह। एक नौजवान दिल की धड़कन है ये तो कहने तो भाव है भावें ये एक्सप्रैस नहीं कर सकिया प्रॉपरली एक मिनट बंद कर दिया ये कहना चाहता है कि यह संस्था जन्म तो लैके बंदे दे आखिरी श्वास तक सेवा करनी चाहती है। पहला गुरमत की गुड़ती देनी फिर पढ़ा पढ़ाने के बाद ट्रेनिंग देनी तो फिर उस तो बाद नौकरी नौकरी तक जो लग जाए रुजगार से इतने तक पहुँचा इस संस्था का जो कार्यशैली आता कहने तो भाव यह है। सो महापुरखों ने भी प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने यही गल कही है यदि फीलिंग है असी यदि भावना की बहुत कदर करते हैं ये दिल च दर्द है भी नौजवान बेरोजगार ना फिरन जे बेरोजगारी है नशे भी तां वध ने तां ही लड़ाइया झगड़े ने तां ही उल्टे पासे पै रहे ने वड्डी भावना है। सो मैं जिन्ना चिर साथ सैट हो रहे ने मैं सत्कार जो बीबी चहल जी ने बेनती करा जो महापुरखों के चरण शरण के पढ़े ने पी एच डी की है लैक्चरार प्रोफेसर प्रिंसीपल बने ने सारे गुरमत की गुड़ती उन्होंने तो ली है वह दो तीन मिनट आप संगतों के सान पाउंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। परम सत्कारियो गुरु रूप साध संगत जीओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने कथन नु शुरू करन तो पहला जो मेरे छोटे वीर सत सरूप ने अपनी विचार रखी मैं अज ये कहनी हाँ कि इस कथन दे विच जो सत सरूप कह के गया बहुत वड्डी बात है। महापुरखा ने जीवन भी दे दिता विद्या दे खेतर च भी एक वडमुली दे दिती पर अज साडे नेतावां नू बड़ी वड्डी जरूरत है। जिहड़ा ससरूप ने आख्या वो सचमुच एक कौड़ा सच के विद्यार्थी पढ़न तो बाद फ्रस्ट्रेशन दे विच जदों फ्रस्ट्रेशन दे विच हुंदा है तां पंजाब दे वल अज नज़र मारो तां नशियां दे विच गर्क हो रहा है। मैं ये भी कहांगी कि जिहड़े विद्यार्थी मैं हुणी स्कूलां दी अचीवमेंट सुन रही सी मैं मुबारकबाद दिंदी हां प्रिंसीपल साहिब दोनों नूं ते समूह अध्यापकां नूं कि जिहड़े विद्यार्थी मापिआं नूं ये कहांगी कि बाहर स्कूलां च पढ़दे आ मैं एक कॉलेज दे विच एज ए प्रिंसीपल काम कर रही हाँ असी देखदे हां कि किन्ना नशा है चाहे वह लड़कियां ने जां लड़के ने कम से कम जिहड़ा विद्यार्थी इत्थे जुड़ जाएगा इत्थे पढ़ेगा एक ऐसा वातावरण मिलेगा जदों 12 साल की एजुकेशन लैके निकलेगा तो उहदे उत्ते अवश्य एक ये गल्लां घर घर जाणगियां कि मैं नशियां वल नहीं तुरना। हुण मैं आवां अज अपने प्यारे महापुरखां दा जन्म दिहाड़ा है शरीर तो बाद सात संगत जी जदों ये जन्म दिहाड़े मनाए जाते ने मन अतीत वल उडारियां मारन लगता है उस अतीत वल के कितना आनंद सी ते अज दा दिहाड़ा उस अतीत नू मुड़ मुड़ चेते करवाउंदा है। आपां सारिआं नू पता है कि इस सारे ब्रह्मंड दे विच कितने सारे ग्रह किन्ने उपग्रह किन्ने तारे ते सारे ने जिन्हां दा बहुत सारियां दा साडे हले साइंसदानां नूं भी पता नहीं लग पाया। केवल ते केवल इन्ना का ज्ञान जरूर होया जिस पृथ्वी उत्ते असीं रह रहे हां उस बारे भी सानूं हरे पूरा पता नहीं लग्या। मेरे कहण तो भाव ये मेरी जीभा
ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਪਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਤੋ ਦੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਈਰਖਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਥਨ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਐਸਾ ਰੰਗ, ਸੋ ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇਈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
जिन्हां नूं तैं जगाया ओ मुड़ कदे ना उंगणगे बाबा तेरे बोल सदा साडे कन्नी गूंजणगे बाबा तेरे बोल सदा साडे कन्नी गूंजणगे बाबा तेरे बोल सदा साडे लड़ाए ते याद तेरी विच हंदू याद तेरी विच हंदू अखदा पानी हुंजन गे बाबा तेरे बोल सदा साडे कन्नी गूंजन गे बाबा तेरे बोल सदा साडे कन्नी गूंजन गे बाबा तेरे बोल सदा साडे
ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿੰਦ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿੰਦ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੈਣ ਤੈਨੂੰ ਨਰ ਸ਼ਹਿ ਚੋਂ ਢੂੰਡਣਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਗੂੰਜਣਗੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਣ ਧਰਤ ਧਮੋਟ ਦੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੀਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਮੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 17 ਜੂਨ 1918 ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤੂਆਣੇ, ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਇੰਦ ਕੌਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਘਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 23 ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਿਆਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ।
इस धरती 1995 अप्रैल विसाखी के शुभ दिहाड़े ते आप जी ने कृपा की आ जिहड़ा साहित्यक खेत्र दे विच इनकलाब लिआंदा रूहानी साहित तुसीं देखदे हो कि इन्ना नहीं कोई मैगजीन चलिया किड्डी बख्शिश होई। आप जी ने अपने जीवन साथी परम पूजा सत्कार योग बीजी दे हस्त कमलों तो इस नूं रिलीज़ कराया किड्डियां बख्शिशां होईयां बड़ा उन्हां दा हर बचन सूत्र हुंदा ते जदों इत्थे 2007 दे विच आ गुरद्वारा साहब दरबार साहब का शिलान्यास रखना सी भावें पंज प्यारे ने इसका शिलान्यास रखिया पर एक सूत्र उन्होंने बड़ा सोहना दिता कि जिस घर दे विच बीबी का सत्कार कायम है उस घर दे विच सारियां जिन्नियां आर्थिक क्योंकि लक्ष्मी साकार स्वरूप च वरतदी है सो कोई घाट नहीं रहा करदी इस करके जिथे इस दे शिलान्यास च परम पूजय सत्कार योग बीजी दे हथ तों आ चांदी का सिक्का रखाया कहिंदे हुण लक्ष्मी की घाट नहीं आउणी सो साधुआं दे सूत्र हुंदे ने एक एक बचन च सो किड्डियां बख्शिशां रहमतां भरपूर ये धरती अज इस धरती दे उत्ते तुसीं नतमस्तक हो रहे हो अपना प्यारा जिन्हां दा ध्यान तां तुहाडे सारिआं दे अंदर ही है किड्डियां बख्शिशां हन सफलियो मूर्त परसो संतन की इह ध्याना धरना अकाल मूर्त है साध संतन की ठाहर नीकी ध्यान को सो किड्डियां बख्शिशां रहमतां वरस रहीआं ने जिवें डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी कह रहे सन कि कोई जन्मदिन ते केक कटदे ने इह तां अंग्रेजां दी रौह रीत है पर साडी जिहड़ी रौह रीत है वह पूजा अकाल की दीदार खालसे का परचा शब्द का इस करके महापुरशां ने जो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बचन साकार किते देग तेग जग में दऊ चले सो ये आत्म मार्ग दे राही आ सारे संसार दे विच इस यूनीवर्सल मैसेज नूं महापुरशां ने पहुँचाया ते नाल हिंदी दे विच जिहड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश दे विच वी इहदी शुरुआत कीती किन्ना लिटरेचर रचिया सो ये सारे साहित की रचना साढ़े परोपकार वास्ते भले वास्ते कीती है क्योंकि जी दान दे भगती लाइन वो जिहड़ा जीवन दान नामदान महापुरशां तो मिलता है सो अज दे इस मुबारक दिन ते जिथे तुहानू वधाइयां तुहाडे कारोबार वधण इस तरह गुरु दर घर का प्यार वधे एक तुहाडे चरणा च निम्रता सहित बेनती है कि जिवें महापुरश शरीरक समय दे विच जदों उन्हां नूं कोई कहिंदा कि मैं इन्ने मैंबर बनाए हन उन्हां दीआं खुशियां वरतदीआं ते नाल इह बचन भी उन्हां दा हुंदा कि जिस घर दे विच इह जावेगा सुख शांति खुशहाली लियावेगा सो बड़ी सोहणी इत्थों स्टेज ते इक गल कही गई है कि इह रसीद कटाओ इह कोई औखा नहीं 100 रुपया किन्ना औखा हुंदा है आने वाले समय च इहदियां जे कीमतां वेखीए तां किन्नियां वध चुकियां हन पर किड्डियां बख्शिशां ने दयालु कृपालू परोपकारी महापुरश परोपकार नित सोच लो जिहड़े जिन्ने भी महापुरशां दे परोपकार ने इह सारे ही परोपकार साडे वास्ते हन सो इहदी कोई बहुती भेटा नहीं जिन्नियां पुस्तकां हन वो सारिया ही अद्धी भेटा ते दित्तियां जा रही ने एक प्रेम भेट है सो अज दे इस दिन दे उत्ते ये गिफ्ट अपने प्यारियां नूं रिश्तेदारां नूं सके संबंधियां नूं इत्थों लिजा के दो फिर तुसीं आपे ही वेखोगे कि तुहाडे जीवन दे विच किवें रूहानी इनकलाब आउंदा किसे नूं जोड़ देना किड्डा पुन्न है सो ये बेनतियां तुहाडे चरणां दे विच हन कि आत्म मार्ग के मैंबर जिमें कि महापुरश भी कहा करते कि जरूर बनाओ ये तुहाडा जिथे लोग भी सुखी परलोक भी सहेला होना है सो इस धरती ते सतपुरशा ने अपना सारा तन मन धन ला दिता तो जदों पंज भूतक शरीरक चोला छड़िया वो भी शरीर
इत्थे आज इत्थे अगीठा साहब संगतां दर्शन कर दियां हन। इत्थे उस दी अंतम किरिया पूरी होई। सो महापुरशां दे शरीर तो बाद मौजूदा समय दे विच जो कि उन्हां दीआं बख्शिशां रहमतां इन्हां महापुरशां दे राहीं वरत रहीआं हन, सारिआं नूं अपने प्यार भरे कलावे दे विच लै रहे ने, इस रूहानी मिशन नूं अगे तोर रहे हन। सो साडा सारिआं दा ही फर्ज बणदा है कि ऐसे इन्हां महापुरशां दी संगत सोबत शौहरत दा वध तों वध लाहा प्राप्त करिए। ते जांदे जांदे जरूर ही मैगजीन लै के जायो, तुहाडे घरां च तां तकरीबन सारिआं दे ही जांदा है, होरनां घरां दे विच वी इस नूं पहुँचाओ। सो इह बहुत वड्डी महापुरशां दी अज दे दिन खुशी वरतदी है, क्योंकि इत्थे तां सेवा सिमरन दा ही कुंभ लग्गिआ है, इत्थे सारे प्यार दे विच लगे हुए ने, जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो नराग। सो साध संगत जी तुहाडा दिल दीआं गहराइयां तों कोटान कोट धन्नवाद है जो इन्नी गर्मी दे विच इन्ना प्यार दा सबूत दित्ता, ते उस प्यारे दे प्यारे महापुरशां दे कीर्तन प्रवचनां दे विच बहुते विघनकारी ना बणीए। इन्नी कु बेनती नूं बहुती जाणदे होए प्रवान करो जी, वधाइयां होर रूहानी खेत्र विच अगे वधो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ने बड़े प्यार दे वचन महापुरशां बारे और उन्हां दियां जो सानू बख्शां प्राप्त ने आत्मार्ग पुस्तकां उन्हां बारे जो बेनती कीती है। सदा ही वचन ने, अमृत वचन ने, महापुरशां दे आपां लैके जाइए, संभालीए उन्हां नूं। आओ हुण मौजूदा महापुरश आप सब संगतां नूं अज दे खुशी दे दिहाड़े उत्ते कीर्तन द्वारा निहाल करनगे, अनुभवी बचनां द्वारा निहाल करनगे। आपां सारियां संगतां ने इस तरह बैठे रहना है। अगन तपताओ लिखे ना महाराज ने, अगन तपताओ ये भी एक अवस्था है भगती की, कि गर्मी नूं सहार लैना, सर्दी नूं सहार लैना, भुख नूं सहार लैना, प्यास नूं सहार लैना, ये अगन तपताओ है। ये सहज ही तप हो रहा है। आओ महापुरशां पासों आपां कीमती प्रवचन सुन के, रूहानी कीर्तन सुन के समा और स्वास सफले करिए जीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।